बाबा महाकाल आज शाही ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। बाबा की एक झलक पाकर भक्तों ने अपने आप को धन्य किया। करीब 1.5 से 2 लाख भक्त आज बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हुए। शाही सवारी में बाबा के भक्त भजनों की धुन पर झूमते नाचते गाते निकले। हालांकि बारिश का मौसम है और लगातार बारिश होने के बावजूद जो भक्तों का जो सैलाब है यहाँ कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। चूँकि ये शाही सवारी है और अन्य सवारी के तुलना में श्रद्धालु काफ़ी तादाद में आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस वर्ष जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा भी हुआ है, उसको देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जो बल का उपयोग है इसमें यातायात है, जो आपके SAF है, DF है और हमारे ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं, वॉलंटियर्स हैं, इन सभी का उपयोग किया गया है। लगभग 1.5 से 2 हज़ार इसमें सभी को मिला के फोर्स तैनात किया गया है। और भी अन्य व्यापक प्रबंध हैं जो रूट के होते हैं, सवारी मार्ग के होते हैं, अलग अलग रस्सा पार्टी इसमें यूज़ होती है, विशेषकर व्यवस्था रामघाट और गोपाल मंदिर की होती है, उन सभी को ध्यान में रखा गया। सर, CCTV कैमरे भी निगरानी रखी जा रही है सवारी मार्ग? हाँ, CCTV कैमरे पूरे रूट पर सवारी मार्ग पर लगाए जाते हैं और चूँकि ये मार्ग थोड़ा बड़ा रहता है शाही सवारी का, तो जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ मार्ग है वहाँ पर भी CCTV का उपयोग किया गया। आज शाही सवारी का दिन है और लगभग 109 हमारे पास मंचे यहाँ पर स्थापित किए गए हैं स्वागत के लिए। साथ ही लगभग 70 हमारे भजन मंडलियाँ हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान साथ में रहेंगी सवारी के दौरान, क्योंकि विशेष सवारी या अंतिम सवारी है तो इसलिए व्यापक इंतजाम हमारे द्वारा किए गए हैं। पूरे एरिया में विशेष रूप से CCTV से सिक्योरिटी, लाइट की व्यवस्था, ये सब चीज़ें इंश्योर की गई हैं, क्योंकि आज की सवारी थोड़ा लेट हो जाता है, उसमें लगभग 9:30 बज जाता है, तो उस हिसाब से हमको रात के हिसाब से भी इंतज़ाम करने पड़े हैं। थोड़ा पानी का स्तर भी आज ऊंचा है रामघाट पर, तो उस हिसाब से हमको रामघाट पर भी व्यापक व्यवस्थाएँ करनी पड़ी हैं और वो हम लोगों ने सुनिश्चित की है। साथ ही सिक्योरिटी के हिसाब से जितने भी हमारे छज्जे, जितने भी छतें हैं, उन सबका नगर निगम से डबली वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स का इस बार हम लोगों ने विशेष रूप से जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स पड़ रहे हैं पूरे सवारी मार्ग पर उनको फाइबर से इसका क्लैडिंग कराई है, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रिक से होने वाली दुर्घटना हमको देखनी ना पड़े। विशेष करके हर जगह सुरक्षा इंश्योर हो, हम लोगों ने सभी जगह मजिस्ट्रेट अपने तैनात किए हैं, साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। जगह जगह हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं, साथ ही जो हमारे पब्लिक यूटिलिटीज़ रस्ते बने पड़ेंगे वहाँ पर विशेष ड्यूटियाँ हमने लगाई हैं, जिससे कि कंटिन्यूस क्लीनिंग उनकी भी होते रहे, लोगों को सुविधा मिल सके। ये पूरी व्यवस्था हमने आज की है। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा यहाँ पर शाही सवारी में आगमन होगा और वो भी सवारी में शामिल होंगे जी।
गुरु महाराज, आज बाबा महाकाल की शाही सवारी है, देखना संदीप किस तरह के यहाँ पर हर्षोल्लास है और किस रूप में निकले बाबा। अभी अभी यहाँ से बाबा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले नगर में, और ये भादो मास की ये सवारी है और अंतिम सवारी शाही सवारी के रूप में जानी जाती है। सर्वप्रथम यहाँ पर प्रशासन द्वारा भगवान महाकालेश्वर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उसके बाद ये पूरे नगर भ्रमण करीब 7 किलोमीटर के लिए रास्ते से पूरे शहर में भगवान महाकालेश्वर का भ्रमण है, और आज जो है उसके साथ साथ में 6 मुखौटे भी साथ में निकले हैं, और बाबा पालकी के रूप पालकी में जो विराजमान है सप्तधान के रूप में निकले हैं, और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि बाबा महाकाल की एक झलक से उनके जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है, और जितना भी उन्हें श्रावण मास में जो भी उपास व्रत किए हैं उसका भी उन्हें मिलता है। Thank you.